पटना उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बीएमओ बलवंत सिंह ने बताया कि विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन ग्राम पंचायत मुरमा में पंचायत भवन के पास 27 मार्च को आयोजित किया गया है। जिला स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति स्वास्थ्य चिकित्सा मेले में होगी, जिससे काफी दूर दराज के ग्रामीण अंचलों के आए हुए ग्रामीणों को और महिलाओं को इलाज संबंधित जानकारी मिलेगी। महिला संबंधित इलाज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नेत्र जांच, नाक, गले व अन्य सभी प्रकार की बीमारियों की जांच की जाएगी। दवाइयों का वितरण भी होगा। कार्यक्रम में विधायक अंबिका सिंह देव, कलेक्टर कोरिया, एसडीएम डॉक्टर सीएमओ, साथ ही सिंगर साहब एसडीएम, साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच उदय सिंह और बहुत ही गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर बलवंत सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है पटना उप स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा ग्राम पंचायत मुरवा में। इसमें कौन कौन से पदाधिकारी आ रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं, मुख्य अतिथि कौन हैं और किन किन बीमारियों का इसमें इलाज होना है? लोग स्वास्थ्य मेला, बृहद स्वास्थ्य मेला मुरमा में ग्राम पंचायत भवन के बगल में किया जा रहा है, दिनांक 27/3/2023 को, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अंबिका सिंह देव मैडम रहेंगी और डॉक्टर जो है जितने भी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, बीपी शुगर की जांच के लिए महिलाओं के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर, नाक कान गले के डॉक्टर और नेत्र संबंधी बीमारियों की जांच के लिए डॉक्टर, सभी लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। इसमें जिला स्तरीय डॉक्टर रहेंगे कि बाहर से भी कोई डॉक्टर बुलाया जा रहा है? सर, जिला स्तरीय डॉक्टर रहेंगे यहाँ पर। जी जी, सिंगर साहब भी रहेंगे? जी, सीएमएचओ सर जी और माननीय कलेक्टर साहब और सीओ मैडम से भी उपस्थिति रहेगी। निवेदन करेंगे उनसे हम जी। तो सर, इसमें अभी किन किन बीमारियों का इलाज होना है वहाँ पे? यहाँ पे बीपी, शुगर और भी मेडिसिन विभाग से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं सभी की जांच की जाएगी। उनके डॉक्टर आएंगे और उससे जांच करेंगे। महिलाओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए डॉक्टर आएंगे और आँखों से संबंधित, दांत से संबंधित, नाक कान गले से संबंधित, हड्डी रोग विशेषज्ञ रहेंगे, हड्डी से कुछ संबंधित बीमारी हुई। यह कैंप एक दिन का है सर? जी, एक दिन का है ये, 27/3/2023 को रहेगा। जी जी, तो सर इसमें कितने मरीजों का परीक्षण होना है, ये क्वांटिटी फिक्स है या अनिश्चित है? अनिश्चित है, जितने मरीज आ जाएं अधिकतम उनका जांच करेंगे हम।